मन प्रियतम मुख्यमंत्री हमेशा से मैं हर स्पीच में हर जलसे में बोलते आ रहा हूं हमारे हमारे अन्ना का हमेशा से एक ख्वाहिश रही कि हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट को अच्छे से अच्छा डेवलप करना है। तो आज मैं अन्ना का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आज हमारे इलेक्शन में आप है अन्ना हमारे इलेक्शन को चार चार लगाती है। मैं अन्ना का इसके लिए आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अन्ना तुम्हें एक बहुत शानदार तरीके से शुक्रिया बोलिए। गुजारिश है आने वाले चुनाव में हैदराबाद पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार समीरुल्लाह को सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी इस चुनाव में खड़ा कर दिए। उनको जिताने के लिए हमारे अंजन भाई अनिल रोहित रेड्डी नंद बिलाल हम सब यहाँ गोशमहल में हाजिर हुए। आज के तारीख में हैदराबाद शहर को तरक्की करना है, हैदराबाद शहर को आगे लेकर जाना है। 400 साल पुराना ये शहर को पूरा हिंदुस्तान में नाम रोशन करना है तो हैदराबाद पार्लियामेंट से समीरुल्लाह को जिता दो। आज एमआईएम और बीजेपी दोनों भटकाने के लिए यहाँ के धर्म के खिलाफ जाति के खिलाफ एक के खिलाफ एक लड़वाने के लिए भाई भाइयों में पंचायत जातियों में पंचायत लगा के इस चुनाव में जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज ये चुनाव खाली हैदराबाद शहर के लिए नहीं इस देश के लिए 70 साल जो आजाद मिले अपने लिए आज आजाद संविधान और SC ST BC रिजर्वेशन मुसलमान के रिजर्वेशन कतरा में है। आज के तारीख में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी दूसरे तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी उनके चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में जो गरीबी है गरीबी को हटाने के लिए ऑटो चलाने वाले को सड़क पे दुकान वाले को चार मीनार के अगल बगल में जितने भी है हमारे मारवाड़ी गुजराती भाइयों के तरक्की के लिए कुछ कोशिश हुआ ही नहीं। इसीलिए बहुत बार सिकंदराबाद में बीजेपी को जिताए हैदराबाद में MIM को जिताए मगर कुछ फायदा हुआ ही नहीं। इस शहर को जब जब कांग्रेस तरक्की किए कांग्रेस जीता हुआ है 2004 से लेकर 2014 तक जब अंजन कुमार जी MP था डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री था तभी यह हैदराबाद शहर को आउटर रिंग रोड बनाए अंतर्जातीय एयरपोर्ट बनाए कृष्णा गोदावरी पीने का पानी हैदराबाद को लेकर आए। आज हैदराबाद शहर में जो मेट्रो रेल है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया मगर पुराना शहर में आज तक नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ओवैसी अपने
पुराने शहर में मेट्रो आए नहीं। इसीलिए आज मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले चुनाव में अपने अपने बीच में पंचायत लगाने वाले को हरा देना। आज के तारीख में बीजेपी वाले भाषण दे रहे कि MIM को हरा दो। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताए समझो, तेलंगाना की सरकार कांग्रेस की सरकार है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री था, क्यों पुराने शहर को मेट्रो रेल नहीं लाए, पुराने शहर में क्यों तरक्की नहीं हुई, उस पर जो दावा नया बिल्डिंग क्यों नहीं बने। यहाँ भूसी में जितना भी कचरा है, कम से कम 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ये भूसी में कचरा निकालने के लिए भी कोशिश नहीं की, एक पैसा भी नहीं दिए, तो कैसे अपने शहर तरक्की करेगा, कैसे हम लोग आगे जाएंगे, कैसे गरीब लोगों के लिए मदद मिलने वाले हैं। इसीलिए कांग्रेस आते हुए जैसा हम लोग पिछले चुनाव में जो वादा किया था, हर गरीब को हम 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए हर महिलाओं को बात किए थे, आज हर गरीब परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। हर महिलाओं को, हमारे बहन को, हमारे माँ को आरटीसी बस में आप लोग बिना टिकट कहीं पर भी जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, सिकंदराबाद जा सकते हैं, यहाँ के गुट्टा भी जा सकते हैं, भद्राचलम भी जा सकते हैं, वहाँ के घर भी जा सकते हैं, जहाँ बोले तो वहाँ बस में मस्त हम चल सकते हैं। उसके अलावा 3 महीने में 30,000 नौकरी दिए हम लोग, राजीव आरोग्य स्कीम में 10 लाख रुपए मुफ्त देकर यशोदा अपोलो हॉस्पिटल्स में किसी को गरीब को पुकार आए तो हम 10 लाख रुपए दे रहे। इसीलिए भाई आप लोग सोचो, एक बार बदलाव आने का जरूरी है, क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार में है, पुराने शहर में ये मेट्रो लाने के लिए, आपके जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगा। समीरुल्लाह को अगर आप लोग जिताए तो मेरा जिम्मेदारी है ये पूरा शहर को बदलने का। इसीलिए आज एक ही 2004 से लेकर 20 साल ये हैदराबाद शहर में या तेलंगाना में भाई भाई के बीच में पंचायत नहीं है, हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई पंचायत नहीं है। हैदराबाद में लैंड ऑर्डर एकदम पक्का है, इसीलिए आईटी कंपनी, फार्मा कंपनीज, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट किए। आज के इसीलिए आज नौजवानों को नौकरी मिल रही, नौजवान सुकून से जीने लगे हैदराबाद में। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए तो जाति के बीच में, धर्म के बीच में पंचायत लगा के चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे। जो पुराना शहर भूल गए कर्फ्यू, गणेश निमज्जन आए तो हम लोग सब लोग मिलके कर रहे, रमजान आए तो हम लोग सब मिलके काम कर ले रहे, अच्छा मिलजुल के हम जलसा कर रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ही उनका कोशिश है, मजहबों के बीच में, भाषाओं के बीच में पंचायत लगाना चुनाव जीतने का। इसीलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रहे हैदराबाद शहर में लॉन्ड ऑर्डर खत्म कर देंगे, यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट आ रहे ये पूरा इन्वेस्टमेंट गुजरात लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपना शहर के लिए नुकसान है। इसीलिए हमारे बहन भाइयों से मेरे गुजारिश है, आप लोग सोचो, अपना शहर तरक्की करना, अपने जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए आज के तारीख में कांग्रेस जीतना, कांग्रेस जीते तो ही ये हैदराबाद के शहर हम आगे तरक्की करेंगे, अपने बच्चे लोग पढ़े लिखने वाले को नौकरी मिलने वाले। आज बीजेपी एक ही काम लगे, 400 इस बार 400 पार, क्यों भाई मोदी जी को 400 की क्या जरूरत है, उन्हें चाह रहे हैं संविधान को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, उन्हें चाह रहे हैं SC ST BC माइनॉरिटी रिजर्वेशन से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी के जिता दो, SC ST
बीसी माइनॉरिटी रिजर्वेशन को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को जिता दो, नहीं तो ये शहर खराब हो जाएंगे। ये शहर में लॉ ऑर्डर गफलत हो गए तो अपना कारोबार खत्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए मैं मेरा गुजारिश, एक नौजवान लड़का कांग्रेस पार्टी के झंडा उठाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए मेहनत किए, उनके दादा परदादा कोई नेता नहीं है, कोई पैसे वाला भी नहीं है, मगर पार्टी के लिए मेहनत किए, ईमानदारी से कांग्रेस का काम किए, इसीलिए राहुल गांधी हैदराबाद पार्लियामेंट से उनको टिकट दिया हुआ है, उनको जिताने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। इसीलिए मेरा भाई इनको जिता दो, एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है आपके लिए काम करेगा, मोहल्ले में आपके गली में आपके घर आएंगे, आपके तकलीफ पूछ लेंगे, आप लोगों को कुछ भी जरूरत है तो मेरे से सरकार से आपके काम करवाने की जिम्मेदारी समीरुल्लाह लेंगे। इसीलिए आज किसी ने कोशिश किए तो, किसी ने ऐसे वैसे बात भाषण दिए तो सुनना छोड़ दो, क्योंकि ये शहर हमारे, ये शहर बचाने का जिम्मेदारी भी अपना ही है। यहाँ पर हम लोग आपस में अच्छा रखना, हम लोग आपस में अच्छा रहे तो ही यहाँ पर कारोबार चलेंगे। अगर कर्फ्यू लग गए यहाँ अपने जीवन खत्म हो जाने वाले हैं। ये कर्फ्यू लाने वाले को जिताते, नहीं तो कारोबार दिलाने वाले को वोट देते, आप लोग सोच लो। इसीलिए बहुत बार दिया सिकंदराबाद बीजेपी को, हैदराबाद एमआईएम को, इस बार दोनों को सबक सिखाने का जिम्मेदारी हमारे भाई लोग लेना, हमारे बहन लोग लेना। आप लोग तैयार है दोनों को सबक सिखाने के लिए? Yeah.